हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एमआर क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों को मैथ्स का यूनिट डिजिट यानि कि ये आता है नंबर सिस्टम, उसको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हेडिंग देने के बाद हम लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। इसको हम लोग इतना बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कभी हम लोग नहीं भूल पाएंगे यूनिट डिजिट। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 26 × 32। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6 और 2। तो देखिए 6 और 2 को क्या करेंगे, 6 × 2, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का देखिए इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 यूनिट डिजिट है, ये 2 क्या है, यूनिट डिजिट इकाई अंक है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 36 × 24 बोले तो 42 × 43 × 47। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या लेके चलना है, यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक को भी भर हम लोग लेके चलेंगे और दहाई से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग इकाई अंक में देखते हैं। 6 को क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हम लोग को यूनिट डिजिट लेके चलना है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में फिर हम लोग को दहाई अंक नहीं लेना है, इकाई अंक भर लेना है, यानी कि 2 लेना है। दहाई अंक से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, फिर जो इकाई अंक है उसको फिर यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होगा। 6 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 42 हो जाएगा। तो हम लोग को 4 से कोई मतलब नहीं रहेगा, बस यूनिट डिजिट 2 से मतलब रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2, जो कि यूनिट डिजिट है ये क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल दे के चलते हैं। 673 × 793 × 874। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या लेके चलना है, यूनिट डिजिट। इधर का हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को यूनिट डिजिट से काम है, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यूनिट डिजिट 3 से, यानी कि 9 हो गया। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 4 से तो कितना हो जाएगा, 36। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 6 को लेके चलेंगे। तो यूनिट डिजिट हम लोग का क्या हो जाएगा, 6। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार का एग्जाम्पल लेके और एक चलते हैं। 24 × 63 × 32 × 37 × 78। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या लेके चलना है, यूनिट डिजिट। तो 4, 3, 2, 7, 8, ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12 होगा। तो 12 का 2 को हम लोग बस लेंगे, और 2 को फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 4 हो जाएगा। 4 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 8 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
64, तो 4 को लेंगे तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, यूनिट डिजिट है। यदि अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो के बारे में, यदि इकाई अंक में यूनिट डिजिट में जीरो रहेगा तो उसका ट्रिक क्या है, वो सब हम अभी बताएंगे। उससे पहले वीडियो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, अगर यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले। यदि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट में क्या रहे, जीरो रहे, जीरो हो तो क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, 6 7 2 8 मल्टीप्लाई 10। तो देखिए इसमें हम लोग का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8, और यूनिट डिजिट इधर क्या आ गया, 0। तो 0 में कोई भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हम लोग का क्या हो गया, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। इसी प्रकार हम लोग और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 6 7 4 2 और 3 2, सॉरी, मल्टीप्लाई 4 7 6 8 9 मल्टीप्लाई 8 7 2 0। तो देखिए यूनिट डिजिट में हम लोग का क्या आ गया, 0। तो अब हम लोग इधर देख भी नहीं करेंगे, इधर हम लोग को देखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को टाइम बचाना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम लोग 0 जहाँ देखेंगे वहाँ, यूनिट डिजिट में जहाँ हम लोग 0 देखेंगे वहाँ क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, तो आप देख सकते हैं हम हिंदी में भी बता रहे हैं और इंग्लिश में भी बता रहे हैं। तो चलिए और एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, 72 मल्टीप्लाई बाय 79 into 60 into 83 into 85 into 86। अब देखिए यहाँ 0 आ गया इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हम लोग का 0। 0 को हम लोग कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग 0 के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे 5 के बारे में। तो जब इकाई अंक में क्या रहे, 5 रहे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या क्या ट्रिक रहेगा वो सारा अभी पढ़ेंगे। जब इकाई अंक में 5 रहे तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, रूल 1 एंड रूल 2 में। तो रूल 1 हम लोग का कहता है, जब सम संख्या रहे, जैसे कि इवेन नंबर, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेन नंबर। जब सम संख्या रहे तो इवेन नंबर, तो इवेन नंबर हम लोग का कौन कौन सा है, 2 4 6 8 0, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, इवेन नंबर। जब किसी इकाई सम संख्या पांच
को गुना करते हैं तो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। यहां पर हम लोग का छूट गया था किसी इकाई। सम संख्या में पांच को गुणा करते हैं तो जीरो होगा। रूल नंबर टू, हम लोग रूल नंबर वन में पढ़े कि जब कोई सम संख्या रहेगा इकाई अंक में और पांच रहेगा इकाई अंक में तो क्या होगा? जीरो होगा। जब विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा? उसका रूल हम लोग जानते हैं। विषम संख्या को क्या का बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर। ऑड नंबर हम लोग का कौन कौन सा है? वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, ये सब हम लोग का ऑड नंबर है। जब किसी संख्या का, यहाँ हम लोग का छूट गया था, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। जब किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो, इकाई अंक क्या हो? विषम हो, और यह तो नहीं होगा, और फाइव से गुना करते हैं, फाइव से गुना करते हैं तो हमेशा फाइव होगा। जब इकाई अंक में कोई विषम नंबर रहेगा तो, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 27। तो हम लोग को किसका काम है? यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या क्या है? फाइव है, तो फाइव है और सम संख्या है, तो हम लोग को क्या लगाना है? क्या लगाना है? जीरो। क्या लगाना है? जीरो। इसमें आगे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग को टाइम भी बचाना रहता है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको। टू मल्टीप्लाई बाय सेवन कितना हुआ? 14। फोर लिखें, फोर को फिर थ्री से मल्टीप्लाई किए, 12। टू लिखें तो हम लोग को यूनिट डिजिट से काम है। टू को सेवन से मल्टीप्लाई किए, 14। 14 को फिर फाइव फाइव से मल्टीप्लाई किए, 20। तो 20 का क्या आया यूनिट डिजिट में? जीरो। तो देखिए इसका भी जीरो आ गया यूनिट डिजिट यानी कि अंक में। तो हम समय भी बचाना रहेगा, इसीलिए हम लोग करेंगे लेटर कितनों ही बार रहेगा क्वेश्चन तो हम लोग तुरंत देंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू बांधते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 67। तो देखिए यहाँ पर क्या है? फाइव है यूनिट डिजिट में और विषम संख्या है, सभी सभी क्या है? विषम संख्या है। तो इसका ट्रिक क्या है? जब फाइव हो इकाई अंक में और विषम संख्या हो इकाई अंक में तो फाइव होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? फाइव होगा हमेशा। कितनों भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट फाइव ही रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जोड़ का नियम।
जोड़ का नियम पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब जोड़ का नियम। जोड़ का नियम उतना कुछ खास है नहीं, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगती है, इसको बेसिक से जानना होता है। बस एक बार हम लोग पढ़ेंगे इसको तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ और मेरे पास अभी थोड़ा सुविधा का कमी है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। जो अभी नहीं किए हैं, जो नए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, उसके लिए बस मैं आपसे एक सब्सक्राइब का एवं लाइक का ही ये रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए अब हम लोग जोड़ का नियम पढ़ते हैं कुछ उदाहरण के थ्रू। 75 + 72 + 73 + 77, यह हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये क्या है, जोड़ वाला है। तो इसको ऐड करेंगे तो 7 हो गया, 7 को फिर 3 से ऐड किए तो 10 हो गया, 10 को तो यूनिट डिजिट में क्या है, 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, 10 को पूरा लिखेंगे और 7 से ऐड कर देंगे तो 17 हो गया, तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया, 7। तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। यहाँ नोट करके लिख लेंगे, जोड़ का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, कोई ट्रिक्स नहीं होती है, क्योंकि 5 का बता दिया, 0 का बता दिया, इसी तरह जोड़ में वैसा नहीं होता है और घटाव में भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन का नियम, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। 5 के बारे में तो पढ़ लिए, इसका ट्रिक्स 1, रूल 1, रूल 2 सम विषम था। अब हम लोग घटाव का नियम पढ़ेंगे। सब घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, 76 - 72। तो हम लोग को क्या का काम है, यूनिट डिजिट का काम है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूनिट डिजिट। तो इसका इस 6 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। ये 4 हम लोग का क्या हो गया, यूनिट डिजिट। इसी प्रकार हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 71 - 42। अब इसमें आप बता सकते हैं कि 1 तो 2 में घटेगा नहीं, तो ऐसे हम लोग घटाते थे ना पहले, तो ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग एक क्या लेंगे, एक बोरो ले लेंगे उधार, तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 2। 11 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं।
कुछ एग्जांपल के थ्रू। 7 4 6 0 माइनस 2 4 7 1। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 0 और 1, तो 0 में तो 1 घटेगा नहीं, तो यहाँ क्या ले लेंगे, एक बोरो। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9। 10 में 1 घटाएं तो 9, यूनिट डिजिट हम लोग का 9 हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। 2 6 9 3 -4 6 2 7। तो देखिए यूनिट डिजिट में क्या है, 7 और 3, तो 13 में क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिट डिजिट। इसी प्रकार और एग्जांपल लेके चलते हैं। 8 1 2 +7 2 4 -9 1 7। तो देखिए अब हम लोग का इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 है प्लस में और 4 है प्लस में, तो इसको जोड़ लेंगे और फिर माइनस कर देंगे 7, तो घटेगा नहीं। तो इधर से एक बोरो ले लेंगे तो 16 हो गया, 16 में 7 तो 9। ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिट डिजिट। ये मैं बगल में लिखते जा रहा हूँ, यूनिट डिजिट, क्योंकि आप लोग भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जानते हैं यूनिट डिजिट, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग फॉलो इन प्रोडक्ट। सिक्सटी वन मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 69। तो हम लोग को इसमें अब पता करना है यूनिट डिजिट। तो हम लोग पीछे का रूल में पढ़ चुके हैं वो सब। देखिए ये डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि 6 4 है आगे, +6 5 +6 6 +6 7 +6 8, ये सब हम लोग का बीच में है, इसीलिए डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 69 दिया हुआ है, तो इसका बीच में देखिए 6 5 आ रहा है, 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, और इधर सम संख्या है 2 और 4 भी सम संख्या है। तो इसका क्या होगा, सम संख्या रहने से क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो हम लोग का कितना इजी टाइप से बन गया, आंसर क्या हो गया, 0। अब चलिए और एक क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फॉलोइंग प्रोडक्ट PRO प्रोडक्ट, 91 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 99। यहाँ हम लोग का दिया हुआ ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 5, डी में 4। ये हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में और अभी ये क्या हो, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यूनिट डिजिट में हम लोग का क्या है, तो देखिए 5 है और
यहाँ पर क्या होगा, 9 7, क्योंकि देखिए सब में विषम संख्या है इसीलिए 9 7 लगेगा वहाँ। अब 5 है और सब में विषम संख्या है तो क्या होता है, 5 ही यूनिट डिजिट होता है। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रूल में, इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। यह मैं लिख देता हूँ, इनका अंक में विषम संख्या। संख्या है इसलिए इकाई अंक 5 होगा। हम लोग कल पढ़ेंगे पावर, जिसमें पावर पावर रहता है, जिसमें हम लोग पावर देते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। अब आज के लिए इतना ही।